बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोडेनिक्स का एम ये है कि पाकिस्तान में डेटा साइंस की एजुकेशन आम हो और डेटा साइंस के लिए स्टैटिस्टिक्स सीखना नहायत ज़रूरी है। तो उसी स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट की आज हम दूसरी वीडियो पे हैं। ओके, सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? What is a distribution within an example? Is there a difference between histogram and the distribution? What are its benefits and uses? Okay, so सबसे पहले हम probability distribution की definition पे जाते हैं। In probability theory and statistics, a probability distribution is a mathematical function that gives the probabilities of occurrence of different possible outcomes for an experiment. It is a mathematical description of a random phenomena in terms of its sample space and the probabilities of event. Okay, so अगर आप लोग confusion हो रही है इस सुनने की बात तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक example को लेंगे, उससे समझेंगे और इंशाल्लाह उससे आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा। ये वही example है जो मैं basically previous video में लेके चल रहा था। Suppose हम एक group of people की height measure करना चाहते हैं। अब हमें उनकी हाइट मेजर की, तो हमारे पास किसकी हाइट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, एक स्केल में हमने नाप लिए। अब हमने क्या किया, बेसिकली बिन्स में डिवाइड कर लिए ताकि हमारे डेटा की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। अगर किसी को बिन्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो हमारी देखिए हिस्टोग्राम की, उसमें बिन्स को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, तो अब हमने इस फिल वक्त हमने अपने डेटा के लिए चार बिन्स बना लिए। पहला बिन या ग्रुप ये है कि शॉर्टर देन 5 इंच, दूसरा क्या है 5 इंच से लेके 5.5 इंच तक, तीसरा 5.5 से 6 और चौथा 6 से टॉलर। तो हम क्या करें, लोगों की हाइट्स चेक करें और हर एक हाइट को उसके बिन में डाल रहे हैं। सपोज एक की हाइट 5.5 से 5 के दरमियान थी तो वो इधर आ गया, फिर इस तरह एक और की चेक की वो इधर थी। इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता चेक करते गए करते गए तो हमारे पास डेटा का एक इस तरह का ट्रेंड बन गया। इससे हमें डेटा का ट्रेंड अच्छे तरीके से पता चले, लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले। तो हम क्या करते हैं, ये भी बिन साइज और हम थोड़े से इसको स्मॉल करके ट्राई करते हैं। ये देखें, अब हमने अपने बिन साइज को स्मॉल किया तो डेटा का ट्रेंड और भी वाजे हो गया। यहाँ पर हमें डेटा का ट्रेंड अच्छे तरीके से पता चले कि कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पर बढ़ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो 50% ऑफ डेटा जो है बेसिकली इन तीन ग्रुप्स में लाइक करता है। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है 5.25 से लेकर 6 के दरमियान मैक्सिमम लोगों की हाइट एग्जिस्ट करती है उसमें। इस तरह अगर हम क्या करते हैं, वो अभी तो हमने पिछले थोड़े से लोगों का लिया, अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों की हाइट चेक करते हैं तो उसमें हमारे पास इस तरह का एक कर्व बनता है मिसाल के तौर पर। अब यहाँ पे जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अब ये यहाँ पे आप देखें कर्व को देखें, यहाँ पे हमारे पास एक कर्व बन गया है इस डेटा के हिसाब से। ये कर्व इसकी शेप इस तरह एक बेल सी क्यूब बनी है। द रीज़न इज कि हमारे पास मिड में सबसे ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे ऊपर हो गया और यहाँ पे साइडों पे लोग कम है तो ये नीचे जा रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस साइड की भी लो प्रोबेबिलिटी है, इस साइड पे डेटा की कि जिसकी हाइट 5 इंच से कम हो उनकी प्रोबेबिलिटी भी कम है, और जिनकी 6 या उससे ज़्यादा हो उनकी प्रोबेबिलिटी भी कम है। तो इससे हमें यह डेटा का अंदाज़ा हो रहा है और ये कि इस एरिया में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अच्छा, एक मज़े की बात है, हिस्टोग्राम में हमारे पास जब किसी बेन में कोई डेटा नहीं होता तो इस तरह खाली रह जाता था, यानी वहाँ पे डेटा नहीं होता तो बिल्कुल खाली रह जाता था, तो हमें पता नहीं चलता था कि यहाँ पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कर्व का फ़ायदा ये है कि वो हमें ये बता देता है कि अगर चलो इस जगह पर डेटा नहीं भी है तो इस जगह की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी बता देता है हमें कि यहाँ पर डेटा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 10% 5% जो भी है, लेकिन हमें कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी कर्व दे देता है। तो ये कर्व पे एक अपर एज हासिल है आप कह सकते हैं हिस्टोग्राम के मुकाबले में, और ये बेसिकली कैलकुलस के थ्रू कैलकुलेट होता है। ये सिर्फ ऐसी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, अब मसला ये है कि हम बहुत बड़े डेटा सेट पे कैलकुलेशन ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते। द रीज़न इज़ कि अगर हम बहुत बड़ा सैंपल रखेंगे तो ठीक है हमारे रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, लेकिन उसमें हमारे पैसे भी बहुत लगेंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं और सैंपल की बेस पे हम कर्व बनाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह किया गया है। अच्छा, अगर अब आपको एक और बात बतानी, बोथ हिस्टोग्राम एंड कर्व
ये दोनों हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमें डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि कहाँ पर कितना डेटा लाई करता है, स्प्रेड बता रहे हैं। लेकिन कर्व का जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर डेटा लाई नहीं भी करता, ये वहाँ की भी हमें प्रोबेबिलिटी बता देता है। जिस तरह अब यहाँ पे हम देख के कह रहे हैं मैक्सिमम है, लेफ्ट राइट पे आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम है। अच्छा, इस तरह इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स हैं, जैसे यूनिफॉर्म होगी, बायनॉमियल, एक्सपोनेंशियल, लोगो नॉर्मल, नॉर्मल पॉइज़न, स्टूडेंट्स टी टेस्ट की स्क्यू नॉर्मल, बहुत सारी और भी हैं। ओके, अब ये सब समझने के बाद हम वापस जाते हैं अपनी डेफिनेशन पे। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स, अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली, यानी कि क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक मैथमेटिकल फंक्शन है दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, बिल्कुल, जो हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि किसी चीज़ की या किसी इवेंट के क्या अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे अभी हमने प्रीवियसली देखा कि 5.5 से लेके 6 तक बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे, बल्कि 5.25 से लेके 6 के दरमियान। तो वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर आप कोई भी नया डेटा लेंगे, कोई भी एक्स वाई जी पर्सन की हाइट चेक करेंगे, तो उसमें हमें इस मतलब 5.25 से लेके 6 के दरमियान उसकी हाइट आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उससे हमें एक क्या पता चल रहा है, पॉसिबल आउटकम का प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस उसकी पता चल रही है। इट इज़ अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रैंडम फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ इट्स सैम्पल स्पेस एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमारे पास क्या है, हमें बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डेटा किस तरह स्प्रेड होता है, किसी भी डेटा पॉइंट के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आई गेस अब आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। अच्छा, तो आपका अगर कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। आपका अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो काइंडली आप पूछ और हमें फीडबैक दें। थैंक यू।